हेलो स्टूडेंट्स, लेवलिंग के अंतर्गत कौन कौन से जनरल टर्म्स यूज होते हैं उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है BS, FS और IS। किसे कहते हैं बैक साइड, किसे कहते हैं इंटर साइड और किसे कहते हैं FS यानी फॉर साइड। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है कि BS का मतलब है यहाँ पर बैक साइड और इसे हिंदी में कहते हैं हम पश्च दृष्टि, और IS का मतलब है यहाँ पर इंटर साइड जिसे हम कहते हैं मध्य दृष्टि, और FS का मतलब है फॉर साइड जिसे हम कहते हैं अग्रदृष्टि। तो आखिर क्या है BS, FS, IS जानते हैं। जब जनरली हम लेबलिंग वर्क कर रहे होते हैं तो अक्सर ये टर्म्स हमारे यूज किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है और इस डायग्राम में यहाँ पर लिख रखा है बेंचमार्क। पिछली क्लास में जस्ट पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बताया था आपको बेंचमार्क क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा आप वो लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको ये बहुत ही आसानी समझ में आएगा। तो बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क देखिए, बेंचमार्क एक ऐसा भूमि पर स्थित ऐसा परमानेंट पॉइंट है जिसकी ऊंचाई हमें समुद्र तल के रेस्पेक्ट में पहले से ही पता है। जैसे सपोज कीजिए, ये हमारा मीन सी लेवल है और मीन सी लेवल से हमें इसकी हाइट पहले से ही मेजर कर रखी है, 100.00 मीटर है। तो देखिए, बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क एक ऐसा परमानेंट पॉइंट है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल के रेस्पेक्ट में हमें पहले से ही पता होती है। आप ये कह सकते हैं कि ज्ञात उच्चता का बिंदु, ऐसा बिंदु जिसकी ऊंचाई हमें किसी एक डेटम के रेस्पेक्ट में पहले से ही पता है, उसको हम कहते हैं बेंचमार्क यानी स्थायी तलचिन्ह कहते हैं। और बेंचमार्क ही ऐसा एक पॉइंट होता है जहां से हमारा कोई भी लेवलिंग वर्क स्टार्ट किया जाता है। तो बेंचमार्क ही क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेवलिंग, यानी बेंचमार्क ही हमारा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर हम लेवलिंग ही बेंचमार्क से स्टार्ट कर पाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी बेंचमार्क पर हम जनरली लेवलिंग के लिए क्या क्या यूज करते हैं? ऑटो लेवल यानी एक लेवल मशीन यूज करते हैं, और उसके लिए एक स्टाफ यूज करते हैं। स्टाफ को हम जगह जगह अलग अलग जमीन के पॉइंट्स पर रखते जाते हैं जो हमारे स्टेशन बन जाते हैं, और लेवलिंग मशीन से उन स्टाफ की रीडिंग को हमें पढ़ना होता है। तो आखिर हम कब लेवल मशीन से स्टाफ की रीडिंग तो हम हर जगह पढ़ेंगे, लेकिन कब उन रीडिंग को बैक साइड, कब उन रीडिंग को फॉर साइड और कब उन रीडिंग को इंटरमीडिएट साइड कहते हैं, उसके लिए आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, अब आप इतना समझ गए कि बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ऊंचाई हमें समुद्र तल के रेस्पेक्ट में या किसी एक डेटम के रेस्पेक्ट में हमें पता है, और लेबलिंग का जो हमारा मशीन है वो हमने कहीं पर भी यहाँ रख लिया, ये हमने लेबल मशीन यहाँ रख ली। और लेबल मशीन इस ज़मीन पर रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस लेबल मशीन की मदद से कहीं पर भी हम स्टाफ रखेंगे, और स्टाफ रखकर उसकी हमें रीडिंग पढ़नी होगी। तो सबसे पहले तो हम स्टाफ रखते हैं बेंचमार्क पर ही। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लेवलिंग होता है बेंचमार्क, स्टार्टिंग पॉइंट ही बेंचमार्क है, वहीं से हम सर्वे स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या किया, लेवलिंग का जो स्टाफ है वो यहाँ रख दिया बेंचमार्क पर जिसकी ऊंचाई हमें पहले से पता है, और अपने आँख द्वारा हमने क्या किया, इधर से हमने रीडिंग देखी तो ये रीडिंग हमें कुछ यहाँ से इस तरह से नज़र आएगी। तो ये जो रीडिंग होगी वो हमारी कहलाती है बैक साइड। क्या कहलाती है? बैक साइड। बैक साइड का मतलब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि हमने बैक डायरेक्शन में देखा है तो इसका नाम हम बैक साइड बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बेंचमार्क पर ली गई रीडिंग, अब आप धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट लिखते जाइए कि बेंचमार्क पर ही ली गई रीडिंग क्या कहलाती है, हमेशा बैक साइड कहलाती है। यानी ऐसी रीडिंग जो लेवलिंग वर्क को स्टार्ट कराती है, आप ये कह सकते हैं किसी भी लेवलिंग वर्क की फर्स्ट रीडिंग हमारी क्या कहलाती है, बैक साइड कहलाती है। आप दूसरी परिभाषा इसकी ऐसे लिख सकते हैं कि बेंचमार्क पर ली गई रीडिंग हमारी क्या कहलाती है, बैक साइड कहलाती है। तो बैक साइड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं नेगेटिव साइड भी कहते हैं, या आप इसे माइनस साइड भी कहते हैं। तो आखिर सॉरी, इसको हम पॉजिटिव साइड भी कहते हैं, या इसको हमने धनात्मक दृष्टि भी कहते हैं। तो हमने इसको पॉजिटिव साइड क्यों बोला है उसके लिए देखिए। अब जब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला लिखते हैं, यानी HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला हमारा क्या हुआ, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, समुद्र तल से लेकर इस लाइन तक की डिस्टेंस, यानी हमारी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप तक की जो हमारी डिस्टेंस है, कहाँ से, मीन सी लेवल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी कहलाती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए, आपको पहुँचना है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो ये रीडिंग हमने सपोज की जो 1.000 मीटर हमने बैक साइड, और वो हमारी रीडिंग कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की है। तो ये रीडिंग हमने पढ़ ली है इंस्ट्रूमेंट द्वारा, ये रीडिंग हमें पहले से पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बेंचमार्क समतल से लेके बेंचमार्क तक की डिस्टेंस हमारी पहले से पता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला 100 प्लस ये वाला 1 हमें जोड़ देना होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि बेंचमार्क में आप क्या जोड़ने वाले हैं, बैक साइड जो आई है उसको आप जोड़ देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, बैक साइड को पॉजिटिव कर दिया, किससे, बेंचमार्क से। तो इसी वजह से हम बेंचमार्क पर रीडिंग जो ली जाती है उसे बैक साइड कहते हैं, और उसको हमेशा HI निकालने के लिए जोड़ा जाएगा। तो उसे हमने इसीलिए बोला है कि ये हमारी पॉजिटिव साइड भी होती है। तो ये तो हमारा टॉपिक क्लियर हुआ कि बैक साइड क्या है, इसको कब कब हम बैक साइड बोल सकते हैं। तो बैक साइड क्या है हमारा, सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें नोट करना है कि बैक साइड कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट लेवलिंग का। दूसरा, बेंचमार्क पर ली गई रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग ऑफ सर्वे, यानी ये जो सब हमारे क्या है, बैक साइड कहलाती है। अब हम क्या करेंगे, इस रीडिंग को लेने के बाद में सर्वेयर अभी इधर से इस डायरेक्शन में देख रहा था, अब वो अपने टेलीस्कोप को इस तरह से मूव करेगा और इस डायरेक्शन में देखेगा। अब हमने स्टाफ यहाँ रख दिया, फिर हमने स्टाफ यहाँ रखा, फिर हमने स्टाफ यहाँ रखा, इस तरह से हमने रखा, और सर्वेयर क्या करेगा, इस पॉइंट के बाद वो इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में अपनी रीडिंग्स को पढ़ने लगेगा। तो अब सबसे पहले क्या करेगा, वो इस स्टाफ की रीडिंग पढ़ेगा, फिर इस स्टाफ की रीडिंग पढ़ेगा, फिर इस स्टाफ की रीडिंग पढ़ेगा। होगा क्या, एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जब आप और आगे का रीडिंग पढ़ना चाहेंगे, तो फिर वो रीडिंग हमें टेलीस्कोप की जो कैपेसिटी है, जो देखने की क्षमता है, उससे ज़्यादा नहीं हो दिखाई दे पाएगी, उसमें पैरालैक्स आने लग जाएगा। तो उस केस में जब हमें ज़्यादा डिस्टेंस हम नहीं देख पाएंगे, और बाकी और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे बहुत टाइप के एरर्स आने लगती है, अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम दूरी का सर्वे कर रहे हैं तो उसमें हमारी रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर एरर्स आती हैं। आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करूँगा कि रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर एरर क्या है। तो उनकी वजह से भी हमें मैक्सिमम 100 मीटर तक एक बार में सर्वे करना चाहिए, और 100 मीटर में भी लगभग 3 mm की एरर आ जाती है। तो इसलिए हमें जितना नज़दीक हो सकता है रख के हमें सर्वे करके जल्दी से हमें चेंज पॉइंट ले लेना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हमने इस रीडिंग को पढ़ा, इस रीडिंग को पढ़ा, इस रीडिंग को पढ़ा, ये रीडिंग हमारी हो गई लास्ट रीडिंग, क्योंकि इसके बाद अब हमें क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को उठा के आगे लेके आना है, और इससे आगे हमें रीडिंग नहीं पढ़नी है। यानी जब डिसाइड हो जाए कि इससे आगे रीडिंग नहीं पढ़नी है और वहाँ से इंस्ट्रूमेंट को हटाना है, तो फिर वो रीडिंग जो इंस्ट्रूमेंट को हटाने से पहले, जस्ट पहले पढ़ी गई है, उसे हम FS यानी फॉरसाइट कहते हैं। FS क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। FS क्या है, FS एक ऐसी रीडिंग है कि इस रीडिंग को पढ़ने के बाद में हमें इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन को चेंज कर देना है। तो FS क्या है, FS एक ऐसी रीडिंग है जिसके बाद में इसको हमें इंस्ट्रूमेंट को उठा के यहाँ से आगे लेके आ जाएंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट की, तो सबसे पहला पॉइंट, FS एक ऐसी रीडिंग है जो इंस्ट्रूमेंट को हटाने से जस्ट पहले पढ़ी जाती है। दूसरा, FS के लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट हटा दिया जाएगा। तीसरा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ तक हमारी कैपेसिटी देखने की थी वहाँ तक हमने देख लिया, उसके बाद हमें रीडिंग आगे नहीं लेनी है, वहीं पर हमें सर्वे लास्ट करना है, तो फिर वो भी रीडिंग हमारी क्या कहलाएगी, FS कहलाएगी। तो ये जो रीडिंग है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रीडिंग हमने पढ़ी है वो हमारी क्या कहलाएगी, FS। और FS को हम नेगेटिव साइड भी कहते हैं, नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड इसे क्यों कहते हैं उसको अभी हम रीजन समझते हैं। इसको हमने बोला नेगेटिव साइड यानी माइनस साइड बोलते हैं। देखिए अब इसका FS का यूज़ क्या है, एक फार्मूला है हमारा जनरली RL, रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल हमें कैसे निकालना है, देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता हो गई है, अभी ये वाली हमारी कांस्टेंट चलेगी क्योंकि ये भी एक पैरेलल लाइन है और ये भी हमारी एक पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी कभी घटती और बढ़ती नहीं है, तो हमें पहले से ही नोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अब हमें पता करना है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने सपोज करो 3 मीटर है, 3.000 मीटर मैंने पढ़ लिया, तो अब मुझे यहाँ से यहाँ तक पता है हमारी रीडिंग कितनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, 100 + 1। अभी बताया था HI कैसे आया कि हमारी 100 + BS कितनी है 1, तो हमारी कितनी आएगी 101.000 मीटर।
तो ये हमारी क्या आ गई, HI आ गई है। अब इस HI से हमें क्या निकालना है, रिड्यूस लेवल, यानी हमें ये पता करना है बस, समुद्र तल से ऊंचाई पता करनी है इस पॉइंट की। तो कैसे पता कर पाएंगे, टोटल हाइट में से इतना माइनस कर देंगे, यानी हमें क्या करना होगा, HI माइनस FS, यानी कि हमें 101.000 माइनस 3.000 कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 98.000 मीटर। तो आपने क्या किया है, RL निकालने के लिए FS को माइनस किया है, तो यही रीज़न है कि FS को हम नेगेटिव साइड भी कहते हैं। आगे अब बात करते हैं, तो FS नेगेटिव साइड हो गई, बैक साइड हमारी पॉजिटिव साइड हो गई। अब IS क्या है, इंस्ट्रूमेंट की एक स्थापना पर, एक बार इंस्ट्रूमेंट को लगाने के बाद सबसे पहली रीडिंग जो हमने ली है वो BS है, और लास्ट में इंस्ट्रूमेंट की एक स्थापना पर ली गई लास्ट रीडिंग FS, उसके अलावा कितनी भी रीडिंग बीच में ली जाए, यहाँ पर 50, 100, 50 कितनी भी रीडिंग, जो भी आप रीडिंग लेंगे, उन सभी रीडिंग को हम IS कहते हैं, और इस IS को इंटरमीडिएट साइड कहते हैं, और इसको भी हम नेगेटिव साइड ही कहते हैं, यानी IS भी क्या है, नेगेटिव साइड कहलाती है। क्यों, क्योंकि RL निकालने के लिए FS या IS दोनों को ही हमें HI में से माइनस करना होता है। अब इसके बाद हमने क्या किया, चेंज पॉइंट ले लिया, यानी चेंज CP क्या है हमारा, चेंज पॉइंट, या इसको हम TP भी कह देते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कह देते हैं। इस रीडिंग को लेने के बाद हमें इंस्ट्रूमेंट को टर्न करा देना है, यानी वहाँ से चेंज करा देना है। इसके लिए हम फिर आगे लेके आ गए, अब क्या होगा, यानी चेंज पॉइंट के बाद ली गई हमारी पहली रीडिंग, अब फिर दोबारा से हमें कौन सी रीडिंग लोगी, इसी स्टाफ की रीडिंग लेनी होगी, क्योंकि हमें सर्वे वर्क आगे बढ़ा देना है। तो हमने ये रीडिंग हम फिर दोबारा से लेंगे, अब ये भी हमारी क्या कहलाएगी, BS। अब इसी क्रम में आगे के हम चले जाते जाएंगे, अब इस रीडिंग को लेने के बाद हमें अब आगे रीडिंग नहीं लेनी है, तो ये FS हो गई, बीच के हमारी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो IS हो गए, यानी चेंज पॉइंट पर भी जो रीडिंग ली जाती है उसे भी हम क्या कहते हैं, बैक साइड ही कहते हैं। ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि हमें इसका RL पता हो चुका होता है, और RL क्या है, ज्ञात उच्चता का बिंदु है, तो लगभग हमारा ये एक TBM की तरह वर्क करने लगता है, और बेंचमार्क पर जो रीडिंग ली जाती है, या टेम्प्रेरी बेंचमार्क पर जो रीडिंग ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, BS कहते हैं। तो चेंज पॉइंट पर भी जो रीडिंग ली जाएगी उसे BS कहेंगे, और उसके बाद जहां सर्वे खत्म हो जाएगा, या उसके बाद हमें उस इंस्ट्रूमेंट की स्थापना पर हमें रीडिंग नहीं लेनी है, तो वो रीडिंग, उससे आगे हमें रीडिंग नहीं लेनी है, तो वो हमारी FS, और उसके बीच में जितनी भी रीडिंग्स हमारी क्या कहलाएंगी, IS कहलाती हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है BS, FS एंड IS के बारे में। एक आपको और रिलेशन याद रखना है कि जितने CP होंगे, आपको याद रखना है जितने नंबर ऑफ CP होंगे उससे एक ज़्यादा BS और FS होगा। जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर चेंज पॉइंट कितना है, सिर्फ एक। तो अब आप देखिए इस पूरे लेबलिंग के अंतर्गत दो FS और दो BS होंगे, एक BS, दो BS, एक FS, दो FS, यानी जितने भी चेंज पॉइंट आप देख लीजिए उससे प्लस वन हमारे BS और FS होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो गाइज हमारे लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, इन पर आप कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज़।